69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को अभी और करना पड़ेगा इंतजार। जो दिलो दिमाग में अभ्यर्थियों को डर था वही हो गया। 69,000 भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभ्यर्थियों के नेता की पहली प्रतिक्रिया, योगी सरकार के बारे में चौंकाने वाली बात कह दी। अपना दल सोनेलाल अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति और यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने अभी कुछ दिन पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से कहा था कि आपको नौकरी दिलाना मेरी मजबूरी है, नहीं दिला पाया तो मंत्री पद की अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। लेकिन ये क्या हुआ, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार के पास 25 दिन थे नई सूची बनाकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी देने के लिए। अब हर कोई सवाल कर रहा है, क्या अनुप्रिया पटेल मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगी? क्या उनके पति आशीष पटेल अपने वादे के मुताबिक अपनी नौकरी यानी कि मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? सुप्रीम कोर्ट के इस रोक के बाद अब 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को और इंतजार करना होगा। उनके साथ ऐसी स्थिति बनी जिसे समझिए, बड़ी मशक्कत के बाद थाली परोसी गई, सामने खाने की थाली रखी गई और अचानक से कुछ काम आ गया, खाने को छोड़कर फिर जाना पड़ता है। पिछले 5 साल से 69,000 शिक्षक भर्ती के दलित पिछड़े अभ्यर्थी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे थे, पुलिस की लाठी खा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में बनाई गई मेरिट लिस्ट को रद्द कर 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। फिलहाल हाईकोर्ट का वो फैसला लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से 23 सितंबर तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 69,000 भर्ती में आरक्षित वर्ग से आंदोलित अभ्यर्थियों के अगवा अमरेंद्र पटेल ने पूरे मामले पर पहली प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अमरेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की आशा रखते हुए योगी सरकार को आड़े हाथ लिया। अमरेंद्र ने लिखा, इस मामले में 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच ने एक फैसला दिया था जिसे अनारक्षित वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने और सरकार ने इस फैसले को सही माना। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सरकार से इसका पालन किए जाने के लिए आग्रह भी कर रहे थे, लेकिन सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ पाई और अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। साल 2018 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जब इसका परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया और उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया। एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद बीते 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच ने हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया, लेकिन सरकार इस प्रकरण में हीलाहवाली करती रही। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अमरेंद्र ने अपने बयान में कहा कि आरक्षण नियमों के पालन किए जाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस भर्ती में व्यापक स्तर पर आरक्षण घोटाला हुआ है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गठित कमेटी ने भी इस पर अपनी मुहर लगाई थी। जब 13 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट लखनऊ डबल बेंच का फैसला आया तो उसके बाद स्पष्ट हो गया कि हम दलित पिछड़ों के साथ अन्याय किया गया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है, हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि हमें यहाँ भी न्याय मिलेगा। गौरतलब है कि पिछले ही महीने यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। इसके साथ ही सरकार को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3-6 और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश भी दिया था। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त के अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वो 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट 3 महीने में जारी करे। हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल करता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ही माना जाना चाहिए। इस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडराने लगा।